तो अभी आप साइंस किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं? क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो साइंस? फिजिक्स और हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ है ना। तो यही इसके आज हम थोड़ा समझेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब कैसे शुरू हुआ। ठीक है, पहले क्या है, शुरुआत में आपको जैसे जब शुरुआत में इंडिया जो एंशिएंट जो टाइम था उसमें पहले से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो नहीं था, पहले बस एक तरह से फिलॉसफी था, यानी ज्ञान बोलते थे। क्या है बेसिकली, इंसान लोग क्या करते, ज्ञान इकट्ठा कर रहा था ना, नॉलेज इकट्ठा कर रहा था। तब अलग से फिजिक्स, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्ट्री अलग से अलग सब्जेक्ट नहीं था, सब बस एक तरह से फिलॉसफी था। क्या कर रहा था, लोग अपने यूनिवर्स को समझने का कोशिश कर रहा था, दुनिया को ज्ञान बढ़ रहा था। तो ये हर जगह, जैसे मेसोपोटेमिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे इंडिया है, चाइना है, हर जगह ऐसा ही चल रहा था। ठीक है, अरेबियन वर्ल्ड है, यूरोप में अराउंड 1400-1500 साल पहले तब तक यही चल रहा था। ठीक, यानी कि क्या, साइंस, फिलॉसफी, मैजिक, रिलीजन, मेडिसिन, ये सब एक ही था, ये कुछ अलग अलग चीजें नहीं थी। समझ रहे आप, क्योंकि अभी तो देख रहे ना आपको, अब क्योंकि इतना काम हो गया इन सब चीजों के, इसलिए आप साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। 2000 साल पहले ये सब ऐसे डिवाइड नहीं था ना, बस क्या था कि लोग और दुनिया को जानना चाहते थे, तो ये सब कुछ मिक्स था, साइंस भी था, मैजिक, जादू, रिलीजन, धर्म, सब कुछ एक ही उससे जुड़ा हुआ था ना। तो धीरे धीरे क्या है, कुछ लास्ट 400-500 साल में ये सब सिस्टम बदल लग गया साइंस का, साइंटिफिक मेथड का बारे में बात किया था हमने। क्या क्या बात किया था साइंटिफिक मेथड के बारे में, क्या बोला था उसके बारे में? बात किया था कि ये कुछ सवाल उठाते हैं, उसका फिर सलूशन ढूंढना होता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन करता है उससे, तो वहीं से फिर धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट बन गया, जैसे क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप लोग लिखा नहीं था पिछले बार, यानी साइंटिफिक मेथड मेन एक टॉपिक था, साइंटिफिक मेथड आप लोग नहीं लिखा था, नहीं समझा था कि इसमें समझने का तो कुछ वो नहीं है, बहुत सिंपल है। हाँ, वो तो एक एक्सपेरिमेंट एग्जांपल दिया था, साइंटिफिक मेथड है क्या? साइंस करने का तरीका, लेकिन उस पे हम, यानी पिछले बार आधा घंटा बात किया था, क्या वो कर रहे हैं? शुरू होता है जैसे क्या है, इंडिया या
पाकिस्तान यहाँ पर है, तो यहाँ पे बॉर्डर है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का ऐसा नहीं है, फिजिक्स यहाँ तक भी आ सकता है, केमिस्ट्री यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक। और फिजिक्स में कई बार क्या होता है, नया कुछ आइडिया फिजिक्स में आता है, उससे बहुत नया टेक्नोलॉजी बन सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, याद एक बार बात किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर न्यूक्लियस को समझने के बाद से आपका टीवी, कंप्यूटर, घर का जो काम होता है, कुछ भी मशीन, ये सब, वो सब इसलिए आया क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ गए फिजिक्स में, ठीक है। वैसे ही क्या है और भी रहे, तो फिजिक्स जैसे आइडिया एक शुरू होता है, जैसे कि आपको बताया था आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, इक्वल्स एमसी स्क्वायर, उसके वजह से बहुत कुछ हो गया, जैसे बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब उसकी वजह से बना। यार ये तो बताया था, आप फिर से उसी पे बात करेंगे। हाँ ये लो, इक्वल्स एमसी स्क्वायर क्या होता है, मतलब क्या है इसका? हाँ, एनर्जी इक्वल्स मास, यानी मास में एनर्जी है, एक कितना सा एक एटम है उसका मास है, उसको अगर नष्ट कर देगा तो क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। तो वैसे ही बॉम्ब, बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब, एक एटम को आप नष्ट कर देगा तो सारा एनर्जी निकलेगा। तो ये चीज क्योंकि हम आइडिया आइंस्टाइन ने समझा, आइडिया बस थ्योरी, उसको आपने टेक्नोलॉजी बनाया। केमिस्ट्री क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकालता है?
किसी ट्रायंगल या कोण पता है ना, ऐसे हाँ, इस पर आपने पढ़ा होगा इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है कुछ। अरे कैसे नहीं पढ़ाया, क्लास 10 में पढ़ा होगा। ये सर्कल है, ऐसे स्क्वायर है, सर्कल का ये जो क्या है एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। हाँ तो वैसे इसका भी पढ़ा होगा आपने वॉल्यूम। बेसिकली इसमें वॉल्यूम मतलब यानी ये जो इस ये कितना जगह ले रहा है, ये इनटू हाइट, इतना इसका सर्कल का एरिया इनटू हाइट, यानी इतना जगह ले रहा है ना ये। तो किसी भी चीज का मास और वॉल्यूम है वो मैटर है, ठीक। और जो मैटर का जो पढ़ाई करते हैं उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री का भी पहले रूट्स एक और सब्जेक्ट से आया, पुराना एक और सब्जेक्ट है, कोई वापिस एंशिएंट ग्रीस क्या नोट्स ले रहा हो, फिर आप फिर याद कैसे नहीं, यानी आप फिर जब क्वेश्चन पूछने क्यों नहीं बता पा रहे, नोट्स ले दो ना भाई, पिछली बार दिखाओ, पिछले क्लास में नोट्स दिखाओ, पिछले क्लास में नहीं आए बाकी दूसरे क्लास में। अरे एक खाता में रखो ना, ऐसे तो फिर कैसे होगा, एक खाता में एक दिन तुम लिखते हो उसके बाद दूसरा खाता में लिखने का कैसे चलेगा, कैसे। पहले पुराना सब्जेक्ट था जिसको एल्केमी बोलते थे, वो फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री बन गया। एल्केमी में क्या था, एल्केमी में जादू मैजिक जुड़ा हुआ था। एल्केमी में लोग सोचते थे कि कोई भी अगर मेटल लेगा, जैसे लेड या आयरन या स्टील या जो भी लेगा, उसको एक्सपेरिमेंट करके गोल्ड बना सकता है, हाँ सोना। लेकिन असल में नहीं होता ऐसे, अब हमको साइंस में पता है, लेकिन एल्केमिस्ट का ये मानना था। तो वो कुछ भी यानी सोचते थे कि अगर इस चीज को आप लेगा और मेल्ट कर देगा, पिघला देगा, तो सोना बन जाएगा। और वैसे ही एल्केमी एक और चीज था, वो अमृत ढूंढ रहा था। अमृत जानते हैं ना, जिससे कभी आदमी मरेगा नहीं, अमरुद। हाँ तो वो ये दो चीजें, तो वहां से धीरे धीरे, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंट करता था वो लोग पदार्थ के साथ, तो वहां से धीरे धीरे मॉडर्न एज में आके क्या बन गया, केमिस्ट्री। और ऐसे आपको पहले बताया था, पहले फोर एलिमेंट्स थे एंशिएंट पुराना ग्रीस और इंडिया में, क्या क्या मानते थे, इससे भी बहुत बार बात किया है। गच्छर, गच्छर क्या हुआ, पेड़। फोर एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, बोले। हाँ तो क्या पहले बात किया था कुछ कि ग्रीस और इंडिया में मानते थे फोर एलिमेंट्स है, जितना भी दुनिया में चीज है मैटर है, जितना भी मैटर है फोर एलिमेंट से बना है। क्या एलिमेंट्स, अभी का एलिमेंट्स क्या है, हाँ पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है। तो इस चीज में भी ये भी मैं कम से कम आपको तीन चार बहुत बार बात कर चुका यार, क्या था चार एलिमेंट्स, बहुत सिंपल है, अर्थ एयर फायर वाटर। तो ये पहले ये मानते थे चार एलिमेंट, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर करके अब क्या है, एक ऐसा टाइम आ गया जब हमने पीरियोडिक टेबल बना दिया है। और ये सब कब हुआ है, पिछले 200 सालों में, इससे पहले हम लोग तो यही मानते थे और एयर फायर वाटर। हां अच्छा, सॉइल अर्थ हो गया ना भाई, सॉइल मिट्टी। हां तो अर्थ, धीरे धीरे एलिमेंट्स का खोज हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब कर करके, और फिर पीरियोडिक टेबल बन गया अराउंड 1860 में। और पहले वही, फिर हमने एटम्स को डिस्कवर कर लिया कि एटम्स होता है, क्या
यार ऐसे वही आप समझ रहे हैं, लेकिन मेरा भी पढ़ाने का मन नहीं करता, फायदा नहीं है, एक एक चीज को मैं 10 बार हर क्लास में रिपीट करते जा रहा हूँ। वही फिर धीरे धीरे पहले हमको लगता था कि एटम से छोटा कुछ नहीं है, फिर हमने क्या कि एटम के अंदर क्या होता है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और हाँ, तो पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ, तो इसके वजह से उसके बाद क्वार्क्स अभी हम देख रहे हैं, हो सकता है कल कौन कुछ और ढूंढ ले, तो यही सब चल रहा है। ठीक, फाइनली बायोलॉजी ये सब देखा आपको मैं बहुत अब सिंपल करके बताना पड़ रहा है, क्योंकि आप बाकी कुछ वो आप सब भूल गए हैं, तो इसलिए इतना जो 2 पेज का मैं आपको बहुत सिंपल चीज किया, बाकी कुछ मैं बता ही नहीं रहा हूँ। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है? जितना भी जीवित प्राणी है उनका स्टडी, उनको उनके बारे में पढ़ना। तो बायोलॉजी में क्या है, उनको मानते हैं की कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी, सेल, जीन और एवोल्यूशन। क्या है ये चीज, सेल क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ, जितना भी जीवित प्राणी है वो क्या है, सेल से बना है। ठीक, और जीन्स क्या होता है? जीन डीएनए ये सब की बात किया था आपको, जो भी जो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस समझते हैं, जो भी चीज यानी आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, जीन्स, जीन्स के अंदर वो कोड भरा हुआ है कि आपका बाल कैसा होगा, आपका बॉडी कैसा होगा, वो जीन है। तो जीन क्या है? जीन डीएनए। तो डीएनए में क्या है, डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन है ना आपके बारे में, तो वो पेरेंट्स से बच्चे को जाता है। और एवोल्यूशन क्या है? विकास, जाति विकास, क्रम विकास, जो भी आप बोलते थे, जिससे जो हमने एवोल्यूशन पे तो बहुत बात किया है, यानी क्या यहाँ से बैक्टीरिया, फिश एंड फ्रॉग, एम्फीबियन, रेप्टाइल, स्नेक, ये सब, उसके बाद क्या, मैन, डायनासोर, बर्ड्स, मैमल, एप, मंकी और मैन, ये एवोल्यूशन है किसी भी चीज का, एक टाइम के ऊपर क्रम विकास, जिससे नया नया जाति भी बनता है, इसी प्रोसेस से बनता है नया नया जाति। ठीक, तो ये पहले बायोलॉजी को भी अब हम जिस तरह से पढ़ते हैं पुराने जमाने बहुत अलग था, यानी मेडिसिन था बायोलॉजी पहले। मेडिसिन क्या होता है? जो भी बीमारी ये सब होता है उसको पढ़ना और उसका इलाज ढूंढना है ना। तो पुराने टाइम में कुछ कुछ लोग थे, जैसे इंडिया में 2 लोग थे, चरक और सुश्रुत, नाम सुना इनका? हाँ, चरक, ठीक है, चरक मेडिसिन का पढ़ाई करता था और सुश्रुत सर्जरी। सर्जरी जानते ना, सर्जरी ऑपरेशन ये सब जो करता है, हाँ, प्लास्टिक सर्जरी भी, बेसिकली शरीर को काट के अंदर का कुछ बॉडी ठीक करना है, ये सब ठीक करना है ना, शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ खेलना, ठीक करना उसको। और वैसे ही ग्रीस में एक आदमी था हिप्पोक्रेट्स करके, हिप्पोक्रेटिस, हाँ, तो ये सब अराउंड 400-600 BC के टाइम पे थे, यानी कुछ 2500 साल पहले थे। इससे उसके बाद फिर क्या हुआ, अराउंड 1670 में एक आदमी था एंटोन फॉन ल्यूवेनहॉक, तो उसने क्या किया, एक
अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया, है ना। तो तब से फिर हमको पता चला कि ऐसे भी प्राणी हैं जो बिल्कुल छोटे हैं, जो हमको दिखाई भी नहीं देता। उससे पहले हम सोचता था बस यही सब है, जो हमको दिखता है वही है। उसने माइक्रोस्कोप बनाया, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद से हमको पता चला कि और भी प्राणी है छोटे जो दिखते नहीं, बैक्टीरिया जैसे अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ, ये सब की। तो वहां से फिर और आगे बढ़ा सा है। फाइनली जो आपको सेल थ्योरी का बात था, कुछ 1860 में सेल थ्योरी नाम का चीज एक आ गया, सेल थ्योरी। उसके चलते वही हमने कुछ दो तीन चीजें मान ली, क्या कि एक जितना भी जीवित प्राणी है सब में किस चीज से बना है, सेल। और क्या है, जितना भी जो सेल है वो पुराने सेल से बना है। जैसे आपको बताया था ना कि एक सेल है यहाँ पे, वो फिर दो में बन जाता है, है ना, है ना। तो यही चीज, यानी जितना भी कोई नया सेल एकदम से नहीं आया, पुराने सेल से आया है, ठीक है। उसके बाद फाइनली एवोल्यूशन पे बात करता है। तो वो अंग डेवलप हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया जिराफ, हाँ, उनका मानना था कि जिराफ पहले एक घोड़े जैसा था छोटा सा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पेड़ ऊपर पेड़ को ना उसका पत्ता खाने के लिए ऐसे ऐसे करने लग गया, तो कई हजार साल बाद उसका गर्दन लंबा हो गया। तो पहले हम ये थ्योरी मानते थे, लेकिन फिर हमको पता चला कि ये शायद सही नहीं है, ठीक, इस पे डिबेट चल रहा है, तो ये हट गया। उसके बाद 1859 में कौन है, चार्ल्स डार्विन, हाँ, ये 5 साल तक एक शिप में बैठ के पूरे दुनिया में घूमा और एक एक बर्ड, अलग अलग जाति, अलग अलग पशु पक्षी सबको इसने देखा, स्टडी किया, उनका ड्राइंग बनाया, डायरी में उनके बारे में लिखा। और उसके बाद इन्होंने अपना एवोल्यूशन का थ्योरी बताया, जो कि क्या था कि बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन एक इनका आइडिया था। नेचुरल सिलेक्शन इसका मतलब बता रहा है, इसका मतलब ये हो गया जैसे कि मान लो आप, हाँ, दो की एक एक ही स्पीशीज है ना, तो दो कीड़ा है एक ही स्पीशीज का, स्पीशीज ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, स्पीशीज ए, ए का कलर ग्रीन है, ये ब्लू है लेकिन इसको ग्रीन मान लो, ठीक है, और दूसरे का कलर रेड है, ठीक। तो अब आपको, और ये सब क्यों अलग अलग क्यों आ रहा है, सेम स्पीशीज में अलग अलग क्यों आ रहा है, जीन्स की वजह से, डीएनए, ठीक है। कभी कभार डीएनए में जरा सा बदलाव आ जाता है, तो उसके चलते डीएनए से एक ही स्पीशीज में दो कलर आ गया, ठीक। तो अब मान लो पहले वो स्पीशीज सब रेड होता था, एक किसी तरह गलती से कुछ कुछ बग कीड़ा क्या बन गया, ग्रीन। अब ठीक है, अब ये लोग बाहर जंगल में बैठा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा अगर कोई पक्षी है जो इसको खाने के लिए आता है, इस कीड़े को, कौन किसको ज्यादा खाएगा, रेड को खाएगा, क्यों खाएंगे, हाँ, क्योंकि अगर जंगल में खड़ा है ये दोनों, ये ग्रीन कलर है, बाकी घास भी ग्रीन है, सब ग्रीन है, पेड़ ग्रीन है, तो ये शायद दिखेगा नहीं, है ना, लेकिन ये दूर से दिखेगा और आके इसको खा लेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा और ये ज्यादा बचेगा, है ना, और फिर क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये और बच्चा पैदा करेगा जो ग्रीन निकलेगा, ये बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा क्योंकि मर गया है। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, ये जो स्पीशीज ए है ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, है ना, समझ गए, इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलता है। वैसे ही एक और एग्जांपल हो सकता है कि इस बार उल्टा लेता है, आपको कुछ वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने देखा था कि रिप्रोडक्शन मेटिंग के वक्त क्या होता है, कुछ दिखाया था ना, बर्ड्स डांस करता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, तो
उसमें उस केस में अगर अट्रैक्शन का बात है तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा किसको ज्यादा पार्टनर मिलेगा, ब्लू या रेड? ग्रीन या रेड? हाँ रेड ज्यादा ब्राइट है ना, ग्रीन दिखेगा नहीं, कम दिखेगा, रेड दूर से दिखेगा। तो हो सकता है ज्यादा फीमेल इसके पास जाएगा तो इसके ज्यादा बच्चा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, शायद अगला जाति, अगला जो धीरे धीरे ये स्पीशीज ग्रीन की जगह रेड हो जाएगा। तो इसी का मतलब नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो भी क्वालिटी एक प्राणी को सर्वाइव करने में या बच्चा पैदा करने में मदद करती है वो धीरे धीरे हाँ वही जाति को वो क्वालिटी मिल जाएगा है? और इसी की तरह एवोल्यूशन होगा। और हो सकता है धीरे धीरे ये करते करते एक नया स्पीशीज बन जाए, स्पीशीज बी। तो ऐसे ही डार्विन का मानना था कि धीरे धीरे ऐसे ही नया नया अलग अलग जाति बनाए जानवरों का। और अब हमने उसके बाद और स्टडी किया, हमारा मानना है कि अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स पहले एक ऐसा जानवर या एक जाति थी जिससे सारे अभी जाति आ रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं, अगर अभी जितना भी प्लांट्स है, एनिमल प्लांट, एनिमल इंसेक्ट, जितना भी ये जो है ये सब अगर सेल से ही आया है तो धीरे धीरे हो सकता है, जैसे एवोल्यूशन हमने देखा ना, इससे पहले क्या था, मैमल से पहले डायनासोर, ये उससे पहले मंकी, ये करते बैक्टीरिया, उससे बैक्टीरिया से पहले क्या था पता नहीं, है ना, पता नहीं। तो साइंटिस्ट का मानना है कि वही हमारा यानी असली क्या दादा ग्रैंडफादर था, वहीं से हम सब आए हैं, ठीक है, जो कि 3.5 बिलियन साल पहले रहता था। उसके बाद क्या है, हम लोग ने साइंटिस्ट ने और डीएनए ढूंढ लिया, ये सब जिसपे हमने पहले भी बात किया है, इस पे ज्यादा कुछ बात करने का जरूरी नहीं है। तो तब से हमको समझ में आ गया कि इंसान बनता कैसे, यानी सेल जो है छोटा सा वो आगे कैसे विकास होता है उसका, है ना। जब रिप्रोडक्शन के बाद ये याद है कुछ बात किया था इस पे कि पेरेंट सेल, मदर फादर का फादर सेल, मदर सेल, 23 क्रोमोसोम मिलके पेट में घूम के माँ के अंदर 46 क्रोमोसोम वाला एक नया सेल आता है। अभी सेल दो सेल में बनेगा, वो फिर दो और सेल में बनेगा, ऐसे ऐसे करते चलते जाएगा। अब कौन सा सेल आंख बनाएगा, कौन सा सेल कान बनाएगा, कौन सा सेल पेट बनाएगा, कौन सा सेल लंग्स बनाएगा, हार्ट बनाएगा, ये सब कौन डिसाइड, कौन बताते हैं? डीएनए, क्योंकि डीएनए में ये सारा जानकारी स्टोर है, जैसे आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है ना, कंप्यूटर में सब कुछ स्टोर होता है कि ये बटन दबाओगे तो क्या होगा, अगर ये करेगा तो एमएस वर्ड खुलेगा। तो वैसे ही डीएनए में सारा कंप्यूटर का जानकारी कहाँ होता है, सीपीयू में। तो वैसे ही इंसान का जानकारी डीएनए, ठीक। तो यही तो वही ये साइंस, बायो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में बात किया है, बहुत छोटा बात किया है, यानी मैं बहुत कुछ और बात करना चाहता, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत ना रिवाइज कर लिया करो यार, आने से पहले, क्लास आने से पहले जो पिछले क्लास का है, 5 मिनट नोट्स अगर बनाए हैं तो बस थोड़ा पढ़ लिया करो, उससे आसानी होगी आपको भी, क्योंकि आज बहुत कुछ मिस हो गया, यानी कुछ बात करने का फायदा नहीं, फिर क्लास में वो फिर रहता नहीं, इंटरेक्शन नहीं रहता, आप तो थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाएगा, है ना। नोट्स क्या बोल रहे हो, मैं दूं? ये देखो ना, नोट्स ले तो रहे आप, यानी हो सकता है इसी से आप ले लो, ये क्या बोल रहे, मैं नोट्स हूँ अलग से, अच्छा ठीक है, ये भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन नोट्स और एक और है, एक 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 जगह रखो, यानी कोई एक मोटा सा रजिस्टर, या फिर एक दिन ये खाता में, एक दिन अलग खाता में, ऐसे तो फिर ढूंढेगा कैसे। तो कल को मैं बोलूंगा तुम चैप्टर 6 का, चैप्टर 5 का मुझे नोट्स दिखाओ, कहाँ लाए? अच्छा अच्छा, तो पता है दो ही खाता है, ठीक है, और नहीं तो खाता भी जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल न्यूज पेज यानी आप रख सकते हो। मैं जैसे मैं रजिस्टर नहीं रखता, मैं पेजेस रखता, आपने हमेशा देखा है लिखता भी मैं पेजेस पे हूँ, तो एटलीस्ट यानी एक जगह रहना चाहिए सब, है ना। कल को तुम्हारा एक खाता कहीं होगा, दूसरा खाता कहीं होगा, फायदा नहीं है ना, एक जगह रखो उसको, चाहे फाड़ के आप पेजेस ही रखो सारा,
और दूसरा है यानी क्लास आने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लो, यानी 5 मिनट लगता है यार पिछले बार के आप देखा था साइंटिफिक मेथड अच्छा ठीक है ओके दैट्स इट, इसमें भी आसान है।